विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आदिम जाति कल्याण विभाग के तत्वाधान में शुक्रवार को राजगढ़ जिले के ब्यावरा में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भील बिलाला आदिवासी समाज के द्वारा भव्य चल समारोह निकाला गया। इसके बाद अंजनी लाल मंदिर परिसर पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधायक गोवर्धन डांगी, कलेक्टर निधि निवेदिता, जिला पंचायत सीईओ मुनाल मीणा, ब्यावरा एसडीएम रोशनी वर्धमान सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाषण को एलईडी स्क्रीन पर लाइव प्रसारण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलेक्टर निधि निवेदिता ने कहा कि आदिवासी समाज को लेकर सरकार हर तरह से प्रयास कर रही है। हमें किसी तरह से मन में इस बात को नहीं लाना चाहिए कि हम आदिवासी समाज से हैं और कोई दूसरे समाज से। समाज चाहे जो भी हो, भारतवर्ष में कई भाषाएं बोली जाती है, अलग धर्म के लोग हैं, सबकी अपनी अपनी अलग ही संस्कृति है। सबको अपनी संस्कृति संजो कर रखना चाहिए। आदिवासी समाज को भी अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और उनको संजो कर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सब भारतवासी हैं और एक ही माला के छोटे छोटे मोती हैं। सब समाज में मिलजुल कर खुशी से रहना चाहिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान के नारे के साथ ही और नया नारा दिया, एक तीर एक कमान, भारतवासी एक समान। राजगढ़ से संवाददाता नितेश सोनी की रिपोर्ट। इसके बावजूद भी हम सब जो एक बात होती है कि माला जो है वो एक ही है, हम सब भारतवासी हैं और सब छोटी छोटी माला की रूप में होते हैं। तो मैं यहाँ पर जो उपस्थित जो बच्चे हैं उनको सबसे पहले कहना चाहूंगी कि बच्चों अपने दिमाग में कभी ये भावना अपने मन में मत लाना कि मैं एक आदिवासी समाज को बिलोंग करता हूँ और मेरे साथ में जो खेलने वाला कोई दोस्त किसी और समाज को बिलोंग करता है तो उसके हिसाब में मेरा कोई जोश रहेगा। आपका अपना समाज है, उनका अपना समाज है, सभी व्यक्ति का अपना अपना समाज है और सब समाज में अच्छे से खुशी से मिलजुल कर रहना यही हमारे भारत की शान है और यही आपकी शान है। मैं अपने इस वक्तव्य को इसके साथ जो आप लोग नारा कहते हैं एक तीर एक कमान आदिवासी एक समाज, इसके साथ मैं एक चीज जोड़ना चाहती हूँ।